केदारनाथ धाम आई त्रासदी के बाद आज सोमवार को चिनूक हेलीकॉप्टर की गोचर हवाई पट्टी से लैंडिंग हुई केदारनाथ धाम के लिए, और दो चक्कर अभी तक चिनूक यहां से लगा चुका है और करीबन 65 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम से लाने का कार्य अब तक हो चुका है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जहां चिनूक हेलीकॉप्टर अभी यहां पे कुछ देर के लिए विश्राम कर रहा है और फिर दोबारा से यहां से फिर से केदारनाथ धाम की लैंडिंग हुई। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम से आए हैं उनके लिए यहाँ पर रहने से लेकर कह सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था भी आर्मी के जवानों से लेकर अन्य स्थानीय जो लोग हैं वे कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे मौजूद है इन यात्रियों की सेवा को लेकर। खासतौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार और प्रशासनिक के तौर पर प्रशासनिक स्तर पर जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम से पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहां से उनको उनके घर के लिए गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। हमारे साथ चिनूक हेलीकॉप्टर के विंग कमांडर सर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तक उनके सामने क्या चुनौती रही, क्योंकि काफ़ी समय से मौसम भी ख़राब था, तो अब आज सुबह उन्होंने यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी है, तो क्या कुछ कैसा रहा सर बताइए। आज सुबह 3 दिन बाद आज सुबह ही मौसम खुला था, तो जैसे ही मौसम खुला चिनूक के साथ हमने सॉर्टीज़ की हैं दो। अभी फिर से केदारनाथ में मौसम फिर से डाउन हो गया है, तो जैसे ही मौसम खुलता है हम लोग फिर से तैयार हैं और शटल्स करने के लिए। अभी दो ही शटल हुई हैं और जैसे जैसे मौसम खुलता है और शटल्स होती जाएंगी। सर आपने केदारनाथ धाम में लैंडिंग की, तो कैसा नज़ारा वहाँ पर आप दिख रहे हैं? नहीं, वहाँ पर नज़ारा, वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स काफ़ी पहुँच गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी अच्छा हाथ है, लोग काफ़ी अभी वहाँ पर ऐसे इमरजेंसी में नहीं है। हाउएवर एफर्ट्स आर देयर, एफर्ट्स विल कंटिन्यू एंड दिल कंटिन्यू, जब तक आखिरी बंदा वहाँ से नहीं निकल जाता है तब तक ऑल एफर्ट्स विल कंटिन्यू फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। इससे पहले भी कोई रेस्क्यू आपने किया है इस घाटी में? नहीं, मैंने यहाँ पर इस घाटी में कोई रेस्क्यू नहीं किया है। केदारनाथ में HADR ऑप्स मेरा पहला ही, केदारनाथ सेक्टर में पहला HADR है। यहाँ पल पल में मौसम बदलता है, पल पल में परिवर्तन होता है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, यहाँ पर मौसम काफ़ी किसी की कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मौसम को। यहाँ पर मौसम काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ बदलता है। सुबह मौसम खुला था, हाउएवर जब हमने दूसरी शटल की तब मौसम डाउन होने लग गया है। अभी वहाँ से न्यूज़ आई है कि वहाँ मौसम फिर से पूरा पैक हो गया है। बाकी सिविल हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं 3, और हमारा V5 भी ऑपरेट कर रहा है गुप्तकाशी से, तो तीनों हेलीकॉप्टर्स आपस में मौसम के अपडेट शेयर कर रहे हैं और जैसे ही मौसम खुलता है फिर से एक शटल की जाएगी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ चिनूक हेलीकॉप्टर में लगातार यहाँ से लैंडिंग कर रहे हैं ऑफिसर हैं और लगातार कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। रोहित डिमरी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।